खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। महिला का पर्स छीनकर भाग रहे आरोपी को भीड़ ने जमकर पीटा। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बना लूटे 40 लाख। बढ़ रहा है महिलाओं का क्राइम, गांजे के साथ पकड़ी गई सुनीता। नहीं किया सलाम तो हुई कहा सुनी, दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार को पीटा। जिला गाजियाबाद हुआ लहूलुहान, 6 दिन में 6 की बेरहमी से हत्या। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के फिरोजपुर में लोगों ने चोर को जमकर पीटा। लोगों ने दावा किया है कि आरोपी शख्स एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहे थे। पंजाब के फिरोजपुर में लोगों ने चोर को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि लोगों ने दावा किया कि आरोपी शख्स एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहा था, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस ने आकर आरोपी को पूछताछ के लिए थाने ले गए, तब जाकर मामला शांत हुआ। बिहार में प्रशासन के दावों के बावजूद क्राइम का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने सरेआम एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 40 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि एलएनटी फाइनेंस कंपनी में आधा दर्जन हथियारबंद अपराधी ग्राहक बनकर अंदर घुसे और फिर बंदूक की नोक पर अंदर मौजूद कर्मचारियों को बंधक बना लिया। राजधानी से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नशीले पदार्थों को बेचने में महिलाएं लगातार सक्रिय हो रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। इसी के तहत पुलिस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध महिला को चेक किया तो उसके पास से 7 किलो गांजा बरामद हुआ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लगातार 6ठे दिन भी हत्या का सिलसिला जारी रहा। एक डेंटल कॉलेज के सामने युवक का शव बोरी के अंदर मिला, जिसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। गले पर रस्सी भी बंधी हुई मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।